हेलो फ्रेंड्स, महेश चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज मैंने अपने विद्यालय GIC वाहन में अडोल्सन गर्ल्स प्रोग्राम पर एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके या ब्लॉग। धन्यवाद। तो मैं आमंत्रित करता हूं यहां पर मंच पर CHU से मिस्टर पूजा पंवार। और यहां पर जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित हैं उनका कि इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने मुझे यहां पर बुलाया। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहां पर जो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके लिए एकत्रित हुए हैं। थोड़ा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। जो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा आगे जाके हमारी जो भूमिका है वो हमारे परिवार के लिए क्या होगी, हमारे देश के लिए क्या होगी। ठीक है, इस अवस्था में अभी तक जो 10 साल से जो छोटे जब रहते हैं हम लोग, तो हम लोग अपने किसी भी चीज के लिए जैसे स्कूल से किस स्कूल में जाना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, तो हम लोग टोटली डिपेंड होते हैं अपने माता पिता पे। लेकिन इस अवस्था में हम लोगों को धीरे धीरे क्या होता है कि छोटे छोटे बदलाव है किशोर अवस्था में, वो बताना चाहूंगी। तो इसमें अगर हम यहाँ पे बालिकाएं हैं तो मैं बालिकाओं के बारे में बात करूंगी। तो यहाँ पर जो शारीरिक चेंज है तो उसमें क्या होता है कि पीरियड शुरू हो जाते हैं इस अवस्था में। ठीक है, दूसरा है कि जो आपकी ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ जाता है शरीर पर, जैसे अंडरआर्म से वहाँ पर बाहर आने पर शुरू हो जाता है। जो भी लड़की है वो लड़की के प्रति और जो लड़की है वो लड़की के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बेटा कि इस टाइम पे आपको डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो शारीरिक बदलाव तो मैंने आपको बता दिए, तो इस पर मेनली जो होता है और शारीरिक बदलाव तो नॉर्मल है। जो सबसे जो बात मतलब इम्पोर्टेंट बात कही जाती है वो पीरियड्स के लिए कही जाती है, जिसमें क्या होता है अभी बस जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आपकी मम्मी ने जो ही सेटअप बना दिया आपको, आप चले गए, आप शादी में जाना है वही स्वेटर फिर पहना दी, स्कूल के कपड़ों में अच्छा जल्दी जल्दी जाओ, खाना खा के आ जाओ शादी से, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, आपको अपने में रुचि बढ़नी शुरू हो जाती है। मैं कैसे दिख रही हूँ आज, मैं कौन सी हेयर स्टाइल बना के जाऊँ, क्लिप लगा के जाऊँ, बाल खोल के जाऊँ, ये होता है। ठीक है, इस समय ऐसा होता है। इसी समय बेटा जो मेन है हमारे जो दोस्त बनते हैं, ठीक है, हमें ग्रुप बनाने की बहुत वो होती है। ऐसे में कभी आपने देखा है कि नर्सरी KG के बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं दोस्तों के? नहीं, क्योंकि इसी टाइम पे क्या होता है कि हमें मतलब ये ग्रुप बनाने का शौक होता है। ठीक है, फिर जो यही है कि जो लड़कों के प्रति आकर्षण है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, भावनात्मक चेंजेस है जो इस टाइम पे होते हैं। फिर दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि इस समय जो मतलब दोस्त होते हैं ना बेटा, उसका बहुत असर पड़ता है आपके जीवन में। ठीक है, अगर आप अच्छी संगति में रहेंगे, अभी तक जितना योगदान आपके माता पिता का था आपके आपकी लाइफ में कोई भी निर्णय लेने के लिए, वैसा ही योगदान अब आपके दोस्तों का आपके लिए हो जाता है। अगर मदर अकेले आना है, आप घर चले गए, आपने अपने दोस्त को फोन किया कि अरे कि ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है, उसने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं बनाया। अच्छा, तुझे नहीं बनाया, मैं भी नहीं बनाऊंगा, होता है ना, है ना। फिर दूसरी तरफ अगर हम एक अच्छी दोस्ती की तरफ देखें कि अच्छा कि फिर फोन करके पूछते हैं प्रोजेक्ट पर, दोबारा से तो वही है कि आपको इस समय ये जो सुसाइडल वाली थॉट होते हैं ना, ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं लाने। दूसरा है लड़के तो यहाँ पे है, तभी तुम किसी दूसरे को बता सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोगों ने पंवार मैम की
की बातों को सुना और जरूर उस पर आप लोग अमल करें। तो इस मंच पर मैं आप आमंत्रित करता हूं अपने विद्यालय की इंग्लिश प्रवक्ता भारती मैडम को कि वह भी इन बच्चों के साथ कुछ अपने अनुभव शेयर करें। आरती मैडम, आपको जैसे पहले ही पता है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुकी है कि हमें एडोलेसेंस में यानी हमारी किशोरावस्था में हमें क्या करना चाहिए और हमारी किशोरावस्था हमें किस और ले जा सकती है, क्योंकि किशोरावस्था का मतलब है कि हमारी टीन एज होना। टीन एज है कि हम अपना फ्यूचर बना भी सकते हैं और अपना फ्यूचर बिगाड़ भी सकते हैं, है ना। तो मेन होती है हमारी गर्ल, जैसा कि मैं आपको क्लास में भी काउंसलिंग करवाती रहती हूँ, क्लास में भी बताती रहती हूँ, मोटिवेट करती रहती हूँ कि हमें किस तरह से क्या करना है। पॉइंट ऐसा है कि अगर हम अपने फादर से बात करेंगे तो लोग बोलेंगे देखो कितनी बेशर्म लड़की है, अपने फादर से बात कर रही है। हालांकि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हमारा जो समाज है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। ये चीज़ें कॉमन है, कोई स्पेशली इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है, नॉलेज सबको होती है, लेकिन हमें क्या होना, हमें अवेयर होना इस बारे में। सबसे पहले आपकी फ्रेंड कौन होनी चाहिए, आपकी मदर होनी चाहिए। अगर आपकी फ्रेंड आपकी मदर है तो आप इस चीज़ में खुलकर बात कर सकते हैं, कैसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जैसे कि मैम ने बताया कि हमें क्या होता है, पीरियड्स होते हैं और वो सबको होते हैं, लेकिन इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि किसी को क्या होता है, पीरियड्स कम होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है, उससे भी बीमारियां हमारे अंदर होती है, बहुत सारी डिजीज हमारे अंदर होती है। तो उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कि जो इससे ये चीजें हैं, किसी के अंदर ज्यादा कमजोरी होती है या किसी के अंदर हार्मोन्स की मात्रा, लाइफ टाइम उसका क्या करना पड़ता है, पर यहाँ बनाकर घर में बनाने पड़ते हैं नेट में। तो मैम ने जैसे बताया है चेंज करना है, ठीक है। अब आपने पैड चेंज कर दिए लेकिन आपको फेंकने का है, इधर उधर नहीं फेंक रहे, इससे तो हमारे एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है। अगर आपके लिए ऐसी व्यवस्था करी गई है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आपका घर हो, कहीं पर भी हो, अगर आपको ऐसी, अगर कहीं आप मार्केट में जाते हैं, कहीं पर आप वहाँ पर टॉयलेट का यूज करते हैं, तो इधर उधर ना फेंकें, उसको डस्टबिन के अंदर ही डालें, कहीं इधर उधर ना फेंकें, इससे क्या होता है, एनवायरमेंट खराब होता है, जगह खराब होती है। और उसके बाद अपने हैंड्स को वॉश करना बहुत जरूरी है, विदाउट हैंड्स आपको बहुत सारी डिजीज का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वही हाथ से हमारे क्या भोजन के द्वारा हमारे अंदर भी वो हमारे अंदर जाते हैं सारे जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं। सेकेंड चीज हमें क्या करना है, जब हम सफाई, आपको पानी में, साफ पानी में डेटॉल डाल के और अपने कपड़ों को उसमें वॉश करना है, क्योंकि जो हमारे कपड़े होते हैं उनको जब हम धुलते हैं तो कम्प्लीटली कीटाणु उसके नहीं मरते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कीटाणु जरूर रहते हैं। इसलिए आपको करना क्या है कि इस दौरान आपने सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी में एक चम्मच घी डाल के उसको जरूर पीना है, तो आपके सामने पेट दर्द वगैरह की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। पहले तो रोज पी है, घी डाल के नहीं, सिंपल पानी, लेकिन अगर रोज नहीं पी सकते तो गुनगुने पानी में आपने घी डाल के एक चम्मच वो पीना है। फिर तीसरे आपका आगे इमोशनल चीज, यानी कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्होंने सीधे से उनके आंसर उन चीजों के बारे में बताया, कुछ ऐसी चीजें थी जो इनडायरेक्ट वे में थी, आप लोग उन चीजों को समझ गए होंगे। और किस तरह आमंत्रित करता हूँ अपने अनुभव अपने विचार रखने के लिए हमारे विद्यालय के हमारे अग्रणी भ्राता प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस श्री जोशी जी को, जिनको बहुत सारा अनुभव है, जिन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। और लड़कों में क्या होता है, भावुकता ज्यादा, ये तो मानसिक परिवर्तन होगा, लेकिन जो शारीरिक परिवर्तन है वो भी बालिकाओं की तरह ही बालकों में भी होते हैं। उनकी आवाज भारी हो जाती है, तो मुख्य बात जो बताई गई है
कि हमें क्या क्या करना है। शारीरिक स्वच्छता और जो कि उसके शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, तो मुख्य बात है कि हमें ये मान के चलना है यह एक प्राकृतिक रूप से होता है, प्रकृति की देन है जो कुछ शारीरिक परिवर्तन। तो क्या होता है, शरीर के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और वह शरीर का जो है बाह्य अंगों से धीरे धीरे शरीर के अंदर फैलना शुरू हो जाता है, जो आगे जाकर के अन्य भयंकर होता है ना, सब में होता, मेरे को होता था है? लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है, वो केवल लगता है। ठीक है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपको ये सबके साथ जो चीजें होती हैं, उन्होंने किस तरह से आप लोगों को गाइड किया, आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाना है, स्वस्थ बनाना है, ऐसा न हो समय बीत पुनिका पछताने, यानी जब समय बीत जाता है तब आदमी के पास कुछ नहीं रहता सिर्फ पछतावा करने के अलावा, कि काश मुझे उस समय कोई बताने वाला होता, काश मुझे कोई उस समय समझा। विद्यालय के हैं जो पूरे कार्यक्रम को करा रहे हैं, श्री चौहान सर और धीरेन्द्र चौहान सर, मैं इस मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं। साइंस मैथ्स के होने के साथ साथ इस कार्यक्रम रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हमारे मेंटर्स पूजा मैम और इससे पहले जो यहाँ पे मैम आरती मैम और जोशी जी ने आपको पूरा बता दिया है कि आज का प्रोग्राम क्या है, तो सबसे पहले मैं आपसे दो चीज़ें जो मैंने फील की हैं वो आपसे मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता कर देती है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से झिझक करते हैं, तो मुझे ये चीज़ यही यहाँ पे एक काम लगता है, यही आपका ये एटीट्यूड, इस एटीट्यूड को हमें चेंज करना है कि जब भी बात होती है चाहे वो आपके फिजिकल से रिलेटेड हो चाहे इमोशनल से हो, हमें आप इस तरीके से, भाई हमने कोई अपराध किया है, पहले आप बताओ भाई अपराध, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तब हमारा हेड डाउन होना चाहिए, न कि जब हमारी इस तरीके की यहाँ पे बातें आ रही है। एक एजुकेशन है और जब आप आगे जाएंगे बड़ी बड़ी क्लासों में भी जाएंगे तो पूरा आपको इसका एक सिस्टमेटिक आपको एक चैप्टर्स मिलता है, एक बुक मिलती है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें सोचना तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने आप को पीछे करते हैं, मेरा कहने का मतलब है लड़कियां खुद आपको, आज कल आप देखते हैं कि जेंडर इक्वेलिटी है, लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, ये भले ही अंतर हो सकता है हमारे फिजिकल में, वो तो प्रकृति की देन है, वो तो भगवान ही ऐसा बनाया है, वो जो जो चीज़ आप में है वो मेरे में नहीं, जो मेरे में है वो आप में नहीं, तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब बात हमारे इस तरीके से आए तो हम अपने शर्मिंदा भी। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। आजकल आप सारी न्यूज़ में देख लो, आईएएस टॉपर लड़की, बोल्ड टॉपर लड़की, नीट की टॉपर लड़की, मानते बात को, रुलाते हैं खूब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां, नाम करें न करें बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती हैं बेटियां, छोड़ जाते हैं जब बेटे तो काम आती हैं बेटियां, आशा रहती है बेटों से, ये सब देख लो आप अपने घरों में यही रहता है कि आपको प्राय धन हो आपने तो दूसरे, हम बहुत जल्दी किसी के उसमें क्या करते हैं फंस जाते हैं, बहुत जल्दी किसी ने बहुत सुंदर बोल उसने पहले सब कुछ करने वाला है, किसी ने पैसे का लालच दिया, किसी ने बात करने का लालच दिया, किसी ने हमें इस तरह की चीजें